नमस्कार दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम। समय के डिमांड ने वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर में ऑफिस का काम करना, इसको एक नया नॉर्मल बना दिया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम घर बैठे बैठे अपने ऑफिस का काम करें, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के एक कंफर्ट जोन में बैठ करके हम ऑफिस का काम कर सकते हैं। मगर धीरे धीरे रिसर्च में ये पाया जा रहा है कि इसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम बर्नआउट की शिकायत बहुत आ रही है। इसमें कई लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, जैसे नेक पेन, सर्वाइकल पेन, ये सब आ रहे हैं। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते किस तरह से आप नेक पेन से बच सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के दौरान, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। घर में काम करने से आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ के काम नहीं कर सकते, आपको एक फ्रीडम है। आप इस तरह से कभी बैठ के काम करेंगे, कभी इस तरह से बैठ के काम करेंगे, कभी उल्टे लेट के काम करेंगे, कभी इस तरह से लेट के ही काम करेंगे। तो इसकी वजह से भी रिसर्च में ऐसा पाया गया कि बहुत लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, नेक पेन बहुत हो रहा है। अगर आपको भी घर में बैठ करके काम करना पड़ रहा है तो आप एट अ स्ट्रेच लंबा समय के लिए मत बैठ के काम करें कंप्यूटर में। आप हर आधा घंटा में पाँच दस मिनट के लिए आप घर के आसपास टहलें, बाहर बालकोनी में जाएं, थोड़ा सा इधर उधर घूमें। उसके बाद साथ में आप नेक के कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, वो आप करेंगे। तो सबसे पहला है नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि आप इस तरफ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरह पकड़े यहाँ पे और इस तरह से इसको होल्ड करके इस तरह से खींचे अपने हाथ से, और इसको कम से कम एक मिनट तक आप होल्ड करके रखें, ठीक है। ये हो गया। फिर उसी तरह से आप इस तरफ हाथ रखें और इस तरफ खींचे, आपका इस तरफ की मांसपेशियाँ स्ट्रेच होगा, इससे भी आपका नेक पेन, इसे भी आप एक मिनट तक होल्ड करके रखना है, और ये नेक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कई बार अपर बैक पेन भी इसकी वजह से हो जाता है घर में बैठे बैठे काम करके। तो आप क्या करिए कि आप इस तरह से अपने कंधों को रखें, दूसरा हाथ से यहाँ पे रखें और इसको इस तरह से खींचे और स्ट्रेच करें। आपको शोल्डर ब्लेड, पीछे की तरफ जो शोल्डर ब्लेड है वहाँ पर आपको एक स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर हाथ रखें और इस दूसरी तरफ भी इस तरह से आप स्ट्रेच करें, ठीक है। उसके बाद ये तो था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद कुछ आप दूसरे एक्सरसाइज भी बता देता, नेक बेंडिंग एक्सरसाइज। आप इस तरफ बेंड करें, उसके बाद इस तरफ बेंड करें 20-25-30 बार, जितना बार हो सके उतना बार ये उसको ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद नेक रोटेशन, इसे भी आप जितना बार, धीरे धीरे करना है, ज़्यादा स्पीड से नहीं, जितना बार हो सके 20-30 जितना बार हो सके आप करें। आप अपने काम के में 10-15 मिनट का टाइम निकालें और ये करें, आपको देखिएगा बहुत सारे जो नेक पेन का जो शिकायत है ये दूर हो जाएगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम हम एक्चुअली में पूरे ऑफिस को ही अपने घर में लेके आते हैं। हम जब हम घर में काम करते हैं ऑफिस का काम, तो हमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, जैसे कि घर में अपने डेली रूटीन के साथ अपने दूसरे परिवार के जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनका भी ख्याल रखते हुए हमें अपने ऑफिस को काम करना होता है। और जाहिर सा बात है कि हम अपने ऑफिस में जिस तरह से हम बैठ करके एक वहाँ पे एक माहौल होता है काम करने का, वहाँ पे जो हम फोकस दे पाते हैं वो फोकस हम घर में नहीं दे पाएंगे, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आते जा रहा है। आप अगर घर में काम कर रहे हैं तो आप एक रूम को डेसिग्नेट कर लीजिए कि वो रूम आपका वो वर्क प्लेस है, और वहाँ पे आपके बच्चों को जब तक आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई एंट्री ना हो, दूसरे फैमिली मेम्बर्स आपको वहाँ पे जाकर के डिस्टर्ब ना करें। आप अपने आप को उस रूम में जब तक आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आइसोलेट करके रखेंगे, तो आपका एक फोकस बना रहेगा अपने काम पे, आपका टारगेट पूरा होगा और आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर हो सके, अगर घर में आसपास बगीचा है या फिर बालकनी वालकनी है, तो जब मैं ये जो एक्सरसाइजेस मैंने बताया, आप घर के बाहर जाकर के ठंडी हवा में, शुद्ध हवा में जाकर के ये सब एक्सरसाइजेस आप करेंगे। तो अपर बैक पेन, नेक पेन के ऊपर मैंने बहुत सारे पहले से कुछ वीडियोस बनाए हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।